हेलो गाइस, ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बैटरी की ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से चेक करेंगे। सो गाइस, ये बैटरी का चार्जिंग टेबल है हाइड्रोमीटर के हिसाब से देखेंगे। तो आज हम 12 वोल्ट की बैटरी देखने वाले हैं। नो लोड में बैटरी 12.73% चार्ज है, 12.62% चार्ज होता है और 11.51 पे 10% चार्ज होता है। ये हाइड्रोमीटर है, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। हाइड्रोमीटर में एसिड अगर ये रेड तक हो जाता है तो ये बैटरी डिस्चार्ज होता है। हाइड्रोमीटर का अंदर का जो पारा है ये रेड तक एसिड में डूब जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज होता है। अब देख चेक करते हैं। देखिए, हम एसिड को इसमें लेते हैं। अब हम बैटरी के एक सेल का ग्रेविटी चेक करेंगे, इससे उस हिसाब से पता चलेगा बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। एक सेल का एसिड भरेंगे, ऊपर टच ना हो और पारो तेरे बीच में इस तरह। अभी ये सेल चार्ज बता रहा है, अभी बैटरी 12 वोल्ट से ऊपर चार्ज बता रहा है। अब दूसरे सेल का ग्रेविटी चेक कर रहे हैं और ये भी चार्ज बता रहा है। ये देखो, ये भी बैटरी चार्ज बता रहा है दूसरा सेल भी। ये येलो तक पारो एसिड में तैरता है और येलो तक ही रहता है, इसके हिसाब से ये बैटरी चार्ज है। अगर डिस्चार्ज होता तो ये रेड तक हो जाता। तो गाइस, अब हम दूसरी बैटरी को चेक करेंगे, दूसरी बैटरी का एक सेल चेक करेंगे। ओह, और ये देखो, ये बैटरी अभी डिस्चार्ज बता रहा है। ये देखो, रेड में है पारो, अभी ये बैटरी डिस्चार्ज है, इसका ग्रेविटी नहीं बता रहा है अभी। ये बैटरी का अब दूसरा सेल चेक करेंगे हम। ये दूसरे सेल में डिस्चार्ज बता रहा है, इसका ग्रेविटी सिर्फ 10% ही बता रहा है, यानी कि ये बैटरी डिस्चार्ज है। ओ गाइस, तो ये बैटरी डिस्चार्ज है, इसके पूरे सेल हमें चेक करना पड़ता है, पर हमने सिर्फ दो ही सेल चेक करके देखा है। ये पूरे के पूरे सेल इस तरह से चेक करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि पूरा कितना बैटरी डिस्चार्ज है। ये देखो, ये डिस्चार्ज बता रहा है इसे सब सेल चेक करने का हमको। तो अभी हम इस बैटरी के सभी सेल चेक कर लेते हैं। ये बैटरी के सभी सेल डिस्चार्ज ही बता रहे हैं। तो गाइस, ये रेड वाला बैटरी 90% से ज़्यादा चार्ज बता रहा है और इसका ग्रेविटी कंप्लीट बता रहा है और ये डिस्चार्ज बता रहा है अभी। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।